प्रेज हालेलुया। मैं पास्टर सुनील यकूब आपको डिवाइन डायरेक्शन में वेलकम करता हूं और आज की जो डिवाइन डायरेक्शन है वो है जस्टिफाइड बाय ब्लड, खून से रास्तबाज। और इसके लिए हम चंद हवाला जात देखेंगे। पहला हवाला हम रोमियो के खत में से उसका पांचवां बाब और उसकी नौवी आयत से हम पढ़ेंगे। बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से गज़बे इलाही से जरूर ही बचेंगे। और दूसरा हवाला भी हम रोमियो का खत उसका तीसरा बाब और उसकी 25वीं आयत से पढ़ेंगे। उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदा मंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी थी उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करें। आमीन। और आज की डिवाइन डायरेक्शन में हम खून के ताल्लुक से जानेंगे कि खून हमें किस तरह जो है वो रास्तबाज ठहराता है, या किस तरह से रास्तबाजी हमें खून के वसीला से मिलती है। और यहां पर जो रास्तबाजी है जिसका जिक्र पालूस रसूल करता है कि खून से जब हम रास्तबाज ठहराए गए हैं या खून से हमको रास्तबाजी मिल चुकी है, तो ये रास्तबाजी का यहां पर क्या मतलब है? जब हम इंग्लिश में रास्तबाजी को देखते हैं तो अमूमन जो वर्ड हमें मिलता है इंग्लिश में वो राइचियसनेस हमें जो है वो वर्ड मिलता है। लेकिन यहां पर जो वर्ड जो लव्स रास्तबाजी के लिए या रास्तबाज के लिए आया है वो राइचियसनेस नहीं बल्कि जस्टिफाइड है। रास्तबाजी के लिए जस्टिफिकेशन लव्स जो है वो इस्तेमाल हुआ है। और जस्टिफिकेशन को जब हम ग्रीक लैंग्वेज में देखते हैं तो ग्रीक लैंग्वेज में जस्टिफिकेशन को हम डिकायो कहते हैं। डिकायो का क्या मतलब है? डिकायो का मतलब जस्टिफाइड, जस्टिफिकेशन, मेड राइचियसनेस इन द साइट ऑफ गॉड। और इसका एक मतलब डिक्लेयर्ड राइचियसनेस है, यानी रास्तबाज करार देना, खुदा की नजर में रास्तबाज बनाना या रास्तबाज ठहराना जो है ये जस्टिफिकेशन है। ये थ्रू प्रोसेस के ये जस्टिफिकेशन, ये जस्टिफाइड जो है वो एक इंसान होता है, यानी एक प्रोसेस में से गुजरकर इंसान को जो है वो रास्तबाजी मिलती है। और इसके लिए खुदा की हजूरी में जवाज लाए जाते हैं, खुदा की हजूरी में जो है वो ऐसे ही नहीं रास्तबाज एक इंसान हो जाता या जस्टिफाइड, उसको दलील के साथ आना पड़ता है या ऐसे दलाइल लाने पड़ते हैं कि जिसके वसीला से वो रास्तबाज ठहराया जाए। और जब जस्टिफिकेशन की बात करते हैं या रास्तबाजी की हम बात करते हैं तो इसके लिए जो है वो किसी शख्स पर चार्जेस का होना जो है वो लाजम है, यानी जस्टिफिकेशन के लिए किसी शख्स पर अमूमन तौर पर जो है वो चार्जेस लगे होते हैं। और ये जो वर्ड है या लैंग्वेज रास्तबाजी की, जस्टिफिकेशन की,
जिसकी बात हम कर रहे हैं ये अदालती जुबान का लफ्ज है, जिसमें एक शख्स दलाइल के साथ और बहस के साथ जज के सामने अपने आप को जो है वो डिक्लेयर करता है कि वो इनोसेंट है या उसके दलाइल उसको गिल्टी करार दे रहे हैं। तो ये लैंग्वेज दुनियावी तौर पर अदालतों में यूज होती है और इसी लफ्ज को पालूस रसूल जो है वो खुदा की हजूरी में जो है रूहानी तौर पर ईमानदारों के लिए भी वो इस्तेमाल करता है। यहां पर जज जो है वो कोई इंसान नहीं है बल्कि खुदा खुद जज है और उसके सामने जो है वो रासबाज होने का जो है वो पलूस रसूल कह रहा है कि उसके सामने हम रासबाज जो हैं वो ठहरा दिए गए। तो किसके वसीला से, तो ये आज हम जानेंगे कि किसके वसीला से और किस तरह किस प्रोसेस में से गुजरकर एक शख्स जो है वो रासबाज जस्टिफाइड होता है। और जैसे मैंने पहले कहा कि जस्टिफाइड वो शख्स होता है जिस पर चार्जेस लगाए गए हों, इल्जाम लगाया गया हो या वो वाकई गिल्टी हो, मुजरिम हो। और रूहानी तौर पर हम देखते हैं कि जब हम अपनी बात करते हैं एक ईमानदार ये कहता है कि वो जस्टिफाइड है, वो रास्तबाज है, वो जस्टिफिकेशन उसकी हो चुकी है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उस पर चार्जेस लगाए गए थे। कौन से चार्ज या कौन से चार्जेस जिसकी वजह से वो गिल्टी करार दिया गया था या वो गुनाहगार बदकार करार दिया गया था? ये चार्जेस गुनाह के जो आदम ने अदन में किया, जिसकी वजह से उसको गुनहगार करार दिया गया, उसको बदकार करार दिया गया, उसको लॉ ब्रेकर कानून को तोड़ने वाला करार दिया गया, जिसकी वजह से वो गिल्टी बना, वो खुदा की हजूरी में मुजरिम ठहरा, वो खुदा की नजर में गुनहगार ठहरा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम। तो यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस रसूल बयान करता है कि अगर रासबाज हैं तो रासबाज इसलिए हम ठहराए गए हैं क्योंकि हम पहले रासबाज नहीं थे या पहले हम जो थे वो कोई रासबाजी और पाकीजगी में जिंदगी बसर नहीं कर रहे थे बल्कि पहले हम सब गुनहगार थे, हम पर इल्जाम था, हम पर वाजिबी तौर पर जो गुनाह था उसका चार्ज था और हम गिल्टी करार दिए गए थे और ये आदम के गुनाह की वजह से। और जब हम इंसानियत की बात करते हैं कि गुनाह तो आदम ने किया था तो फिर कैसे हर एक शख्स जो है उसको गुनहगार कहा गया? क्योंकि आदम के वसीला से गुनाह ने जन्म लिया और जब गुनाह आदम की जिंदगी में आया, आदम की नेचर में आया, तो वो फिर सारी इंसानियत में यानी आदम की नस्ल में ये गुनाह की बीमारी फैल गई और इस आदम के एक गुनाह की वजह से सब आदमियों को गुनहगार गिल्टी करार दे दिया गया। आदम के एक गुनाह की वजह से सब आदमियों को जो है वो खुदा के जलाल से हाथ धोना पड़ा। पहले वो खुदा के जलाल में था, पहले वो खुदा में की हजूरी में था, पाकीजगी में था, लेकिन जब उससे गुनाह हो बैठा, उसने खुदा के कानून को तोड़ दिया तो वो मुजरिम ठहरा। जब मुजरिम ठहरा तो वो गुनहगार हुआ और जब गुनहगार हुआ तो खुदा ने उसको बागे अदन में से निकाल दिया, यानी उसको अपने जलाल से
अपनी प्रेजेंस उसको निकाल दिया। और याद रखें, कोई गुनहगार, कोई बदकार जिस पर जो है वो गुनाह का चार्ज लगा हो कि ये बदकार है, ये गुनाहगार है, ये खुदा के हुक्मों को तोड़ता है, वो शख्स कभी भी खुदा के जलाल में दाखिल नहीं हो सकता, यानी वो खुदा की प्रेजेंस में नहीं जा सकता, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इसीलिए यूहन्ना जो है वो मुकाशवा की किताब में बयान करता है कि उसमें यानी खुदा की हजूरी में, न्यू यरूशलम में जो है आलम बाला पर कोई नापाक, कोई बदकार, कोई गुनहगार, कोई झूठी बात का घड़ने वाला, बुरे काम करने वाला कोई उस शहर में यानी उसकी बादशाही में कोई दाखिल नहीं हो सकता। तो इसलिए जब आदम ने गुनाह किया है तो आदम की वजह से जो नस्ल इंसानी पैदा हुई वो भी जो थी अंडर वो चार सी गुनाह के, यानी आदम की वजह से सबको गुनहगार करार दिया गया। और जब गुनहगार करार दिया गया है तो इसका मतलब है कि सब के सब मुजरिम है खुदा की हजूरी में। और जब खुदा की हजूरी में मुजरिम है तो तब तक खुदा की हजूरी में उसके जलाल में दाखिल नहीं हो सकते जब तक वो अपने आप को खुदा की हजूरी में रासबाज ना डिक्लेयर करें या अपने आप को वो पाक ना कर लें या अपने आप को वो जो है वो खुदा की हजूरी में रासबाजी हासिल ना कर लें। तो यहां पर जो हम बात करते हैं जस्टिफिकेशन की, तो बतौर खुदा खुद जज है जो कानूनी तौर पर और जो है वो जवाज के साथ जो है अदालत कर रहा है, और उस जज के सामने जो सादिक है, जो मुंसिफ सादिक है, जो सच्चा है, जिसकी जो है वो बादशाही या जिसकी सल्तनत की बुनियाद ही अदल और इंसाफ और सदाकत है, रासबाजी है, वो जो जज है, वो जो अपने तख्त पर बैठा है, उसके सामने जब इंसान खड़ा है तो उसको जो है वो रासबाज होने की जो है वो जरूरत है, या वो कोई ऐसा जवाज लाए कि जिसकी वजह से खुदा उसको रासबाज करार दे, वो अपने आप को खुदा के सामने जस्टिफाई करे या रासबाज होने के लिए वो कोई जवाज लेकर आए, तो ये गोया हम खुदा की हजूरी में जो है वो हमें रासबाजी जो है वो अपने आप को जो है रासबाज ठहराना है ताकि हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएं। और कोई शख्स अपने आप से खुदा की हजूरी में, खुदा के जलाल में जो है वो रासबाज नहीं ठहर सकता, या अपनी ताकत से या अपने अमाल से वो खुदा की हजूरी में जस्टिफाई नहीं कर सकता। हालांकि शरीयत भी दी गई तो भी बनी इसराइल कौम शरीयत के जाब्तों को जो है वो अपनी जिंदगी में उस पर अमल ना कर सके, शरीयत के हुक्मों पर अमल ना कर सके, क्योंकि शरीयत के सारे हुक्मों को पूरा करके रास्तबाजी हासिल करना जो था ये नामुमकिन था। तो इसीलिए शरीयत जो थी वो इंसान को रासबाज ना कर सकी खुदा की हजूरी में, क्योंकि ये अमाल के जरिए से रासबाजी थी, और अमाल के जरिए खुदा की हजूरी में रासबाज अपने आप को ठहराना ये नामुमकिन है। इसलिए खुदा ने खुद इसका बंदोबस्त किया, और बंदोबस्त क्या किया कि खुदा ने अपने बेटे को, खुदावंद यीशु मसीह को जो था वो कफारा का बर्रा बनाकर इस दुनिया के लिए उसको दे दिया, और उसके खून के वसीला से, कफारा के जरिया
खुदा ने नस्ल इंसानी के लिए जो थी वो नजात का और जस्टिफिकेशन का उसने बंदोबस्त किया। तो हम देखेंगे कि खून जो है जिसके वसीला से कफारा दिया जाता है, क्यों खुदा ने इसको कफारा के लिए दिया। और हम सब जो हमारा रैंसम है, जो हमारा फिदिया है, वो यीशु मसीह का ब्लड है। यानी जब हम यीशु मसीह के ब्लड के वसीला से बाप की हजूरी में आते हैं तो वो हमें जस्टिफाइड करता है। यानी मसीह का खून हमें जस्टिफाइड करता है कि हम जो हैं वो रासबाज है या हमारा फिदिया दे दिया गया है। यानी यीशु मसीह के वसीला से हम रासबाज जो हैं वो ठहरा दिए गए। और याद रखें कि जब हम पुराने अहदनामे को देखते हैं तो पुराने अहदनामा में जो रास्तबाजी थी वो खून के वसीला से कफारा देने से जो थी वो मिलती थी। यानी खून जो था ये कफारे के तौर पर गुजराना जाता था, कफारे के लिए गुजराना जाता था, खून के वसीला से कफारा दिया जाता था। और दूसरी ऐसी कोई चीज नहीं थी कि जिसके वसीला से इंसान जो था वो अपना कफारा दे सके, अपने गुनाहों का फिदिया दे सके, अपने गुनाहों का रैंसम दे सके। और ब्लड ये काम करता था। और ये ब्लड इंसान खुद नहीं लेकर आया बल्कि खुदा ने इंसान को खून दिया कफारे के तौर पर। और जब हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं तो पैदाइश की किताब में हमें मिलता है खुदा ने कहा कि गोश्त के साथ खून ना खाना, क्योंकि खून में जो है वो जान है, खून में जो है वो जिंदगी है। तो फिर जब हम अहबार की किताब पढ़ते हैं उसके 17वें बाब में तो वहां पर खुदा हुक्म देता है, वहां पर खून जो है वो कफारे के तौर पर देता है। खुदा कहता है कि मैंने तुम्हारे कफारे के लिए तुम्हें खून दिया है, ये मैंने इसलिए तुम्हें दिया है मस्बा पर ताकि तुम्हारी जानों का हो सके। यानी मस्बा पर मैंने तुम्हारी जानों के कफारा के लिए खून दिया है। और खून जान रखने के सबब के वसीला से जो है वो कफारा देता है। यानी ये कफारा खून के वसीला से होता है, ये खुदा ने खुद जो है ये खून जो है कफारे के तौर पर मस्बा पर हमारे लिए दिया है ताकि खून जो है वो हमें जस्टिफाइड करे, हमारा कफारा दे दे, रैंसम हमारा पे किया जाए। और खून जान रखने के वसीला से, खून जो है ये जान रखने के वसीला से कफारा देता है। यानी जिंदगी खून में पाई जाती है। और खुदा ने इसको मस्बा पर जो है हमारी जानों के कफारा के लिए दिया है क्योंकि इसमें जान है, जान जो है यानी जिंदगी है, खून जिंदगी को जाहिर करता है कि इसमें जिंदगी जारी है। तो जब जिंदगी की बात करते हैं तो इसके लिए इब्रानी लफ्ज नफैश यूज हुआ है। नफैश का मतलब जिंदगी है, सोल लाइफ। यानी खून जिंदगी को जाहिर करता है कि ये खून जो है ये जिंदगी रखता है। और जिसके लिए कफारा दिया जा रहा है उसको रिडेम्पशन देता है, निजात देता है, उसको बरी करता है, उसका फिदिया दिया जाता है। यानी इसका मतलब है कि जो गिल्ट, जो गुनाह किया था किसी शख्स ने, उसके इव्ज खून जो है वो मस्बा पर खुदा की हजूरी में गुजराना जा रहा है। और इसराइल में हर साल योम कफारा के दिन बकरों बछड़ों का खून बहाया जाता था। और पहले सरदार काहिन अपने आप का अपना कफारा देता, फिर
सारी बनी इसराइल कौम का, और वो कफारा के बर्रों का, बकरों का खून पाकतरीन मकाम में लेकर आता और उस खून को वो मर्सी सीट पर उंडेलता था, खुदा के अहद के संदूक के ऊपर उसको स्प्रिंकल करता था, उसको उंडेलता था, और जिसके वसीला से कफारा होता था, उस खून के वसीला से, और खुदा जो था इंसान को रासबाज ठहराता था, क्योंकि ये कफारा का खून इंसान की बदकारियों को ढांप देता था, और यही कफारे का मतलब है ढांपना। और यहां पर खून का उंडेला जाना इस बात को जाहिर करता है कि जो शख्स उसकी हजूरी में कफारा लेकर आ रहा है, या जिस शख्स का, जिन लोगों का कफारा दिया जा रहा है बनी इसराइल कौम का, उनके गुनाह जो हैं वो इस खून के वसीला से ढांप दिए गए हैं, और इस खून ने फिदिया दे दिया है खुदा की हजूरी में, और इस खून के कफारा के वसीला से बनी इसराइल कौम का सरदार काहिन का वो जस्टिफाइड हो गए, उनको जस्टिफिकेशन मिल चुकी है। तो इस तरह साल बा साल वो कुर्बानियों को गुजरानते थे कुफारे की, कुफारे का खून लेकर हर साल सरदार काहिन जाता था, हर साल अपने आप को और कौम को जस्टिफाइड करता था खून के वसीला से। तो खून के वसीला से जो बकरों बछड़ों को था, उनको अब भी खलासी नहीं मिल रही थी, दूसरे लफ्जों में वो अब भी रासबाजी को हासिल नहीं कर रहे थे, वो इटर्नल जस्टिफिकेशन उनकी नहीं हो रही थी। हर साल वो जो थे गुनाह के अंदर थे, मुकम्मल तौर पर उनको गुनाहों से रिडेम्पशन या खुदा की हजूरी में उनको रासबाजी हासिल नहीं हो रही थी, हालांकि बर्रों बछड़ों का खून खुदा ने खुद हुक्म दिया था, तो भी उससे जो थी वो मुकम्मल तौर पर रासबाजी नहीं मिल रही थी, और खुदा की नजर में वो मुकम्मल तौर पर जो थे वो गुनाहगार ही थे, क्योंकि एक तो आदम का गुनाह उनकी जिंदगी में पाया जाता था, उनकी नेचर में सिम ऑफ एडम था, जिसकी वजह से वो मुकम्मल तौर पर खुदा की हजूरी में जस्टिफाइड नहीं हो रहे थे, और ये काम बकरों बछड़ों का खून जो था वो नहीं कर पा रहा था। इसके लिए एक ऐसी कुर्बानी की जरूरत थी जो परफेक्ट मुकम्मल कामिल हो, जिसके एक बार ही गुजरने से, जिसका एक बार खून बहाने से मुकम्मल तौर पर जो थी वो रास्तबाजी मिले। तो खुदा ने बंदोबस्त किया और अपने बेटे को भेजा, और उसके खून को हमारे कफारा के तौर पर उसने मस्बा पर दे दिया, और ये मस्बा जमीनी अहद का संदूक नहीं था, ये मस्बा जो था ये मर्सी सीट अहद के संदूक जो जमीन पर था ये वो नहीं था, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक ही बार अपना खून लेकर वो जो था वो आलमे बाला पर चला गया, और वहां पर उसने अपना खून उंडेला, और जिससे इंसान की अब्दी खलासी हुई, एक ही बार उसने अपना खून बहाकर अपना खून उसने जो था वो आसमानी अहद के संदूक पर उंडेल कर तमाम इंसानियत को मुकम्मल तौर पर जो है वो जस्टिफाइड कर दिया है यीशु मसीह के खून के वसीला से। यीशु मसीह के खून की कुदरत को पौलुस रसूल बयान करता है, उसकी ताकत को, कि यीशु मसीह का खून वो उसने वो काम किया जो बकरों और बछड़ों का खून ना कर सका।
और क्यों यीशु मसीह के खून ने वो काम किया और हमारा अब्दी कफारा वो बना। एक तो वो रूह में रासबास था, दूसरा वो अजली रूह के वसीला से उसने ये काम किया, तीसरा उसके खून, उसने खून बहाया और उसके खून में जान होने के सबब से उसने हमारा अब्दी कफारा दी। और एक बात जो मैं अब बताने जा रहा हूं, इस पर गौर करिएगा कि जब हम जानवरों के खून की बात करते हैं तो उनसे हम कह सकते हैं कि एक जो है आरजी रासबाजी जस्टिफिकेशन जो थी वो कौम को मिल रही थी, मुकम्मल परफेक्ट कामिल अब्दी रासबाजी उससे नहीं मिल रही थी। बकरों और बच्चों का खून जिसमें जान थी, ये जान जो थी ये मुख्तसर थी, ये जान इस जमीन पर होने के सबब से ये कोई अब्दी जिंदगी ये बकरे और बछड़े नहीं रखते थे। लेकिन जब हम यीशु मसीह के खून की बात करते हैं, वो रूह में रासबास भी था और अजली रूह के वसीला से भी उसने कफारा दिया, और दूसरा जो उसके खून में जान थी, ये जान ये अब्दी जिंदगी थी, ये सोल जो थी ये इटर्नल सोल थी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो था इस जमीन पर इंसान के तखम से पैदा नहीं हुआ, और इंसान जो आदम की नस्ल से था वो तो अपने आप को कफारा के तौर पर अपने खून को पेश ही नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके खून में, उसके जो डीएनए में वो आदम का गुनाह था, आदम की बदकारी थी, जिसकी वजह से उसको बकरों और बछड़ों का खून लाना पड़ता था। लेकिन यीशु मसीह जो अपने खून में जो है वो अब्दी जिंदगी रखता था, अब्दी जिंदगी रखता है, और उसकी जो सोल थी वो इटर्नल सोल थी, क्योंकि वो आदम के तखम से नहीं बल्कि खुदा के तखम से पैदा हुआ है, खुदा के डीएनए से जो है वो मरियम के पेट में जो रूहुल कुदस के फजल से कुदरत से वो पैदा हुआ, वो मुजस्सम हुआ, उसमें इंसान का तखम नहीं था, उसमें खुदा का डीएनए शामिल था। जब खुदा का डीएनए से खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ है तो उसका खून भी इंसानी खून नहीं था, बल्कि उसका खून जो था ये खुदा के डीएनए से बना है, खुदा के तखम से बना है, तो जिसकी वजह से ये जो ब्लड ऑफ क्राइस्ट है ये अपने अंदर अब्दी जान अब्दी जिंदगी रखता था। इसलिए बच्चों और बकरों का खून मुकम्मल तौर पर रासबाजी जस्टिफिकेशन ना दे सका, जस्टिफाइड ना कर सका, क्योंकि बकरों और बच्चों के खून के अंदर आरजी जान थी। लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह के खून की बात करते हैं जिसमें आरजी नहीं बल्कि अब्दी जान थी, अब्दी जिंदगी थी, जिसकी वसीला से उसने हमारा अब्दी कफारा दे दिया है, यानी हमें अब्दी तौर पर हमें जस्टिफाइड कर दिया है, अब हमें बछड़ों बकरों का खून लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यीशु मसीह पर ईमान लाना है, उसके कफारे और उसके खून के वसीला से बाप की हजूरी में आना है कि वी आर जस्टिफाइड बाय ब्लड ऑफ क्राइस्ट। हमें यह कहना है, हमें इस बात पर ईमान रखना है, क्योंकि यीशु के खून के अलावा किसी शख्स को कोई चीज खुदा की हजूरी में रासबाज करार नहीं दे सकती, और यीशु मसीह का खून अब्दी जिंदगी रखने की वजह से उसने हमारा कफारा दिया है, और इसलिए हमें जो है वो खुदा की शुक्रगुजारी करनी है कि उसने हमारे लिए अब्दी कफारा, हमारे लिए यीशु मसीह का खून ठहराया, जिसके वसीला से हमें रिडेम्पशन मिली, हम खुदा की हजूरी में, खुदा की अदालत में, खुदा के सामने जिसने हमें डिक्लेयर किया कि हमारा फिदिया, हमारा कफारा हो चुका है, हमारे गुनाह ढांप दिए गए हैं अब्दी तौर पर, और हमें अब्दी रासबासी जो है इस खून के वसीला से मिल गई है।
यीशु मसीह ने अपने खून के वसीला से हमारा रैंसम दिया है। हम मुल्जिम नहीं थे, हम मुजरिम थे, गुनहगार थे, गिल्टी थे खुदा की अदालत में, लेकिन इस मुआवजे से, इस रैंसम से जो है वो हमें रास्तबाजी मिली है। ना सिर्फ रास्तबाजी बल्कि अब्दी रास्तबाजी, हम जस्टिफाइड हो गए और खुदा की हजूरी में हम खड़े हो चुके हैं। और इसीलिए रोमियों के खत में पौलुस रसूल कहता है कि खुदा ने उसके खून को हमारे कफारा के लिए दिया है ताकि उससे फायदा हो। यानी फायदा क्या? जो बकरों बर्रों के खून से फायदा नहीं हो रहा था, उनको हर साल बहाना पड़ रहा था, और हमें जो यीशु मसीह के खून के कफारा से फायदा हुआ है वो ये हुआ है कि हम अब्दी तौर पर जो है वो जस्टिफाइड करार दिए गए हैं। उसकी रास्तबाजी उसके खून के वसीला से जाहिर होती, और उसने जो पेशतर गुनाह हो चुके थे वो सब गुनाह जो हैं वो माफ कर दिए। किसके वसीला से? खुदावन यीशु मसीह के ब्लड के वसीला से। उसके ब्लड के वसीला से रास्तबाजी मिलती है, उसके ब्लड के वसीला से हम खुदा की हजूरी में जो पहले जलाल से महरूम थे अब उसके जलाल के वारिस हो गए हैं। उस ब्लड की वजह से उसने हमें अपने बेटे के हम में रास बना लिया है। उस खून की वजह से उसने हमें आसमानी मकामों पर जगह दे दी है। यानी पहले जो हम उसकी हजूरी से खारिज थे, पहले हम जो उसकी हजूरी से दूर थे, पहले हम जो उसकी हजूरी से निकाल दिए गए थे, अब इसके बेटे के खून के वसीला से जो पाक प्रीशियस ब्लड है, बेशबहा कीमती खून है, जिससे हमारी हर तरह की बदकारी, हर तरह के गुनाह ढांप दिए गए हैं, धुल गए हैं, और जिसने जो है कफारा के वसीला से हमारा बाप से हमें रिकनसाइल कर दिया है, उस खून के वसीला से हमें जो है उस जलाल से जिससे हम महरूम थे फिर से हम उसके वारिस हो गए। हमें शुक्रगुजारी करनी है क्राइस्ट के ब्लड के लिए, जो एक ऐसा सोता है, एक ऐसा चश्मा है जो जारी है, जो बदकारियों को, नापाकियों को जो है वो दूर करता है, हमारा कफारा देता है और हमें जस्टिफाइड करता है बाप के सामने, हमें रासबाज ठहराता है। और इसी रासबाजी की वजह से हम खुदा की हजूरी में उसकी इबादत करते हैं। कोई नापाक नहीं कर सकता, कोई बदकार उसकी हजूरी में नहीं ठहर सकता। चाहे कलीसिया में कोई शख्स हो जिसके अंदर गुनाह हो और वो ये शो कर रहा हो कि वो खुदा का बंदा है, लेकिन हकीकतन खुदा जानता है कि ही इज गिल्टी, ये गुनहगार है, ये सिनर है, और इस सिनर को जो है वो तौबा करने की जरूरत है, और मेरे बेटे यीशु मसीह के खून से इसको रासबाज होने की जरूरत है। और यीशु मसीह के खून ने हमें बाप के सामने, जो हमारा मुंसिफ जज है, उसके सामने खून ने डिक्लेयर कर दिया है कि अब हम रासबाज हैं, अब हमारा फिदिया हो चुका है, अब हमारा कुफारा दे दिया गया है, और मुकम्मल तौर पर हमें उसके वसीला से रास्तबाज मिली है। और यीशु मसीह का खून जो ना सिर्फ बनी इसराइल कौम को उसने जस्टिफाइड किया, बल्कि उसने गैर कौम इसराइल और गैर कौम दोनों को जस्टिफाइड किया, बाप के सामने रास्तबाज डिक्लेयर कर दिया है। अब किस बात की जरूरत है? अब ईमान लाने की जरूरत है। जो कोई ईमान लाता है वो यीशु मसीह के खून के वसीला से रासबाज ठहराया जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ये मेरे अहद का वो खून है जो बतेरों के लिए माफी के लिए बहाया जाता है। यानी ये मेरा खून बतेरों को, यानी पूरी दुनिया को, जो इस पर ईमान लाते हैं पूरी दुनिया में से, वो उनको बाप की हजूरी में
उनके गुनाहों से माफ कराने का वसीला है। और लिखा है कि उसी खून के वसीला से जो सलीब पर बहा, सुला करके सब चीजों का उसके वसीला से अपने साथ मेल करके, ख्वा वो आसमान की हो ख्वा वो जमीन की, यानी इस खून के वसीला से जो सलीब पर यीशु मसीह ने बहाया, जो कफारा हमारा दिया, उस खून के वसीला से हमारा बाप से हमारी सुलह हो गई है, हमारा बाप से राबता कायम हो गया है, हमारा बाप से टूटा हुआ रिश्ता इस खून के वसीला से बहाल कर दिया गया है। और ये खून बाप से हमें मिलाता है, ये खून हमें बाप की हजूरी में इसने जस्टिफाइड कर दिया है। इसलिए इस खून की हमें प्रस्तुति करनी है। ये खून यीशु मसीह का कुदरत वाला, ताकत वाला, बरकत वाला खून है, जिसने हमें अब्दि तौर पर एक ही बार गुजराने से हमें अब्दि खलासी दे दी है, हमें जो है वो जस्टिफाइड कर दिया है हमेशा के लिए, जस्वी तौर पर नहीं, आरजी तौर पर नहीं, हमेशा के लिए। एक ही बार गुजराने से यीशु मसीह ने इस खून के वसीला से हमें जस्टिफाइड कर दिया है, हमें बेऐब कर दिया है, हमें बेइल्जाम ठहरा दिया है, और हमें बाप के लेपालिक बेटे और बेटियां बना दिया है। इसलिए इस खून की प्रस्तुति करनी, क्योंकि ये खून यीशु मसीह का जिसके वसीला से हम जस्टिफाइड हुए हैं, ये हमारी खलासी का सबब बना है, हमारी रास्तबाजी का सबब है। इसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है जिसके वसीला से हम बाप की हजूरी में आए। और जो बाप की हजूरी में खून के वसीला से आएगा, माफी उसी को मिलेगी। यानी जो बेटे पर, बेटे के कफारे पर, उसके खून पर ईमान लाता है, जस्टिफिकेशन, रासबाजी उसी शख्स को जो है वो मिलती है। इसलिए शुक्रगुजारी करें, और शुक्रगुजारी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आसमानों पर फरिश्तगान, बाइबल में लिखा है कि चार जानदार बुजुर्ग, लाखों करोड़ों फरिश्तगान उसकी हजूरी में इस खून की प्रस्तुति करते हैं और कहते हैं कि ज़िबा किया हुआ बर्रा, इज्जत, तमजीद, कुदरत, हशमत, बुजुर्गी के लायक है। यानी ज़िबा किए हुए बर्रे की, जिसने हमारा कफारा दिया है, जिसने अपना खून बहाया है, वो इज्जत के लायक है, तमजीद के लायक है, शौकत के लायक है, हशमत के लायक है, बुजुर्गी के लायक है। उसकी हमदोस्ताइश आसमानों पर होती है, हर वक्त, हर रोज फरिश्तगान लाखों करोड़ों 24 बुजुर्ग जो खुदा के तख्त के सामने बैठे, चार जानदार जो खुदा के तख्त के सामने उसकी पाकीज़गी का ऐलान करते, उसके जलाल ही जलाल उसकी हजूरी में पुकारते, वो भी खुदा के बर्रे यीशु मसीह की हम उसकी स्ताइश करते और कहते हैं कि उसने अपने खून से दुनिया के सब कबीलों को, अहले जुबान को, उम्मत को और कौमों को अपने खून से खरीद लिया है। इसका क्या मतलब है? दुनिया के सब कबीलों में से, उम्मतों में से, अहले जुबान में से, कौम में से उसने लोगों को अपने खून से खरीद लिया है। यानी जो कोई उसके खून पर ईमान लाता है, वो उसका खून खरीदा है। जो कोई उसके कफारे पर ईमान लाता है, जो कोई इस बात पर ईमान लाता है कि यीशु मसीह ने सलीब पर कुर्बान होकर कफारा दे दिया है, हमें जस्टिफाइड कर दिया है, वो यीशु मसीह का खून खरीदा है। आप और मैं जो यीशु मसीह की हजूरी में चल रहे हैं, हम उसके खून खरीदे,
فرشتگان اس کے خون کی تمجید کرتے. تو ہم کیوں نہیں جو اس زمین پر ہم کلیسیا میں ہیں, ہمیں بھی ہر روز ہر لمحہ اس پریشیس بلڈ کی, بیش بہا قیمتی خون کی, بے عیب خون کی ہمیں جو ہے وہ تمجید کرنی ہے, کیونکہ وہ فرشتوں کے لیے قربان نہیں ہوا, اس نے فرشتوں کے لیے خون کفارے کے لیے نہیں دیا, اس نے نسل انسانی کے لیے آپ کے میرے لیے اس نے اپنا خون جو ہے وہ کفارے کے طور پر دیا ہے, تاکہ ہم جسٹیفائیڈ ہوں, جسٹیفیکیشن ہو اور راست بازی ہمیں مل سکے. باپ کی حضوری میں وہ ڈکلیئر اس نے کر دیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ راست باز ہیں, ہمارا فدیہ دے دیا گیا, ہمارا رینسم جو ہے وہ ہو چکا ہے. تو پولس رسول کہتا ہے کہ جب اس نے اپنے خون سے ہمیں راست باز ٹھہرا دیا ہے تو پھر تو ہم غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے. غضب الہی کا مطلب ہے ایٹرنل جو ہے وہ فائنل ججمنٹ, فائنل ججمنٹ سے جو پوری دنیا کی اس نے کرنی ہے. وہ تخت عدالت پر جب بیٹھے گا تو لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہمیں راست باز باپ کی حضوری میں ڈکلیئر کر دیا تو غضب الہی سے, خدا کے غضب سے, ریت آف گاڈ, گاڈز ریت سے ہم ضرور ہی بچیں گے, بچائے جائیں گے. یعنی خدا کا خون نہ صرف راست باز ٹھہراتا ہے, جسٹیفائیڈ کرتا ہے, بلکہ غضب الہی سے بھی ہمیں ضرور بچائے گا فائنل ججمنٹ سے. اور خدا جو ہے وہ قہر کرتا ہے. یاد رکھیں خدا صادق منصف ہے, زبور 7 میں لکھا, اور اس کا قہر ہر روز بھڑکتا ہے. کن پر؟ ناراستوں پر, گنہگار بدکاروں پر, جھوٹ بولنے والے, وہ لوگ جو تفرقہ انداز اور حق کے نہ ماننے والے اور نہ راستی کو ماننے والے اور حق کو نہ راستی سے چھپاتے ہیں, ان پر خدا کا غضب نازل ہوگا. مصیبت اور تنگی ہر ایک بدکار پر آئے گی, مگر جلال عزت اور سلامتی ہر ایک نیکوکار کو ملے گی. یعنی بدکاروں پر خدا کا غضب قہر نازل ہوگا, جیسا ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وبا ابھی تک دنیا میں ہے. یعنی خدا کا قہر اس دنیا کے بدکاروں پر نازل ہو رہا ہے جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر, اس کے کفارے پر, اس کے بلڈ کو رد کیے ہوئے ہیں اور حق کو جانتے ہوئے بھی لوگ ناراستی میں, گناہ میں مگن ہے. اس ہر ایک شخص کو جو بدکار ہے, جو گنہگار ہے, جو مجرم ہے, خدا کا ہر مصیبت اور ہر تنگی اس بدکار شخص پر آئے گی, لیکن خدا اپنے جلال کو, عزت کو اور سلامتی کو ہر نیکوکار کو وہ دے گا. یعنی وہ لوگ جو یسوع مسیح کے خون سے جسٹیفائیڈ ہو چکے ہیں, جو یسوع مسیح کے خون سے راست باز ہو چکے ہیں, ان کے لیے ہی جلال ہے, ان کے لیے ہی عزت, ان کے لیے سلامتی. یعنی یہ تینوں چیزیں خدا کی, جس سے آدم محروم ہو گیا, جس سے گنہگار دنیا محروم تھی, جس سے ہر ایک انسان محروم تھا, اس نے اپنے طالبوں کو جو یسوع مسیح کے خون سے دھل چکے ہیں, راست باز ہو چکے ہیں, اس نے یہ تینوں چیزیں جلال, عزت, سلامتی ان کو دے دی ہے. اور ہمیں خدا کے غضب سے بچنا ہے. خدا کا غضب اب جو ہے وہ وقتاً فوقتاً اس دنیا کی تربیت کے لیے نازل ہوتا ہے. خدا اپنے قہر کو, غضب کو نازل کرتا ہے تاکہ دنیا سدھر جائے, جیسے کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور لوگ مر رہے ہیں اور پوری دنیا تنگی میں ہے. اس دنیا کو کس چیز کی ضرورت ہے؟
अगर ये दुनिया जो है खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से उसके खून से आ जाए खुदा के पास, रासबाज हो जाए, तो याद रखें ये कोरोना वायरस दिनों में इस दुनिया से जो है वो खत्म हो जाएगा। और यीशु मसीह के खून में जो प्रोटेक्टेड हैं, जो महफूज हैं, उनको कोई वबा, कोई बीमारी जो है वो छू नहीं सकती। और मसीह के खून के वसीला से हम मौत की गुलामी से निकलकर जिंदगी के वारिस हो गए हैं। अब मौत का कोई हम पर राज नहीं है। ये यीशु मसीह के खून के वसीला से हमें मिली है ये नेमत, ये बरकत, यानी यीशु मसीह का खून अबदी जिंदगी रखते हुए वो हमें अबदी हमेशा की जिंदगी जो है वो देता है। इसलिए गौर करें कि किस तरह से आप चल रहे हैं, कि आप रास्ते को नारास्ते में तब्दील कर रहे हैं, या रास्ते जो यीशु मसीह है उसका खून है, उसका कफारा है, उसको देखते हुए भी आप उसको रद्द कर रहे हैं। अगर रद्द करेंगे तो खुदा नहीं छोड़ेगा। अगर इज्जत को, जलाल को, सलामती को चाहते हैं यहां पर भी और आगे भी, तो फिर यीशु मसीह के खून से रास्तबाज हो जाएं, जो बाप के सामने आपको डिक्लेयर करेंगे कि आप रास्तबाज हो चुके हैं, आपका फिदिया, रैंसम, कफारा दे दिया गया है। और इंसान अपने आप से रास्तबाज नहीं हो सकता यीशु मसीह के खून के वसीला से। इसलिए बेटे को चूमे, ऐसा ना हो कि खुदा बाप रास्ते में ही आपको हलाक करे, यानी उसके कफारे पर, उसके खून पर ईमान लाकर रासबाज हो। जो रासबाज नहीं होंगे, जो अपने आप को मसीह के खून से जस्टिफाइड बाप के सामने नहीं करेंगे, वो फाइनल जजमेंट के दिन, वो आखिरी अदालत के दिन जो है वो उन पर गज़ब इलाही नाजिल होगा और उनको जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। और आपके पास मौका है, अगर कोई अभी तक गुनेगार है, वो यीशु मसीह के खून के वसीला से बाप की हजूरी में आए, इकरार करे उसके कफारे का, उसके खून का, उसकी कुर्बानी का और बाप के लाजवाल मोहब्बत का जो उसने अपने बेटे के वसीला से हमसे की है। इस ब्लड से फायदा उठाएं, हमेशा की जिंदगी पाएं, हमेशा की सलामती पाएं और अब्दी जलाल में दाखिल हो जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। और यकीनन आपने इस कलाम से बरकत पाई होगी और पाई है। और जिन जिंदगियों ने यह अहद किया है कि वो खुदा की हजूरी में रासबाजी के साथ चलेंगे, जिन्होंने अभी इसी वक्त खुदा के खून के वसीला से अपने आप को बाप के सामने जस्टिफाइड कर लिया है, उनको मैं दावत देना चाहूंगा कि वो टेंपल ऑफ गॉड चर्च बाहर कॉलोनी को ज्वाइन करें, ताकि जब वो रासबाज हो चुके हैं तो अब उनको पाकीजगी में ग्रेजुअली कामिल होने की जरूरत है। और रासबाजी तो हमें यीशु मसीह के ब्लड से मिल जाती है फौरन, लेकिन पाकीजगी के अमल, ये पाकीजगी एकदम नहीं मिलती, ये एक प्रोसेस है जो कलीसिया में खुदा के कलाम के वसीला से हमें मिलता है। आप चर्च को ज्वाइन करें। और इन दिनों में खुदा के खादम डॉक्टर विल्सन कामरान जो हैं, वो वाइट थ्रोन सीरीज जो है वो बड़ी डिटेल के साथ सुना रहे हैं खुदा के तख्त के ताल्लुक से। आए, बरकत पाएं और जाने कि खुदा का वाइट थ्रोन क्या है और जब वो वाइट थ्रोन पर बैठेगा तो क्या होगा। आए, बरकत पाएं। इसी तरह हम अगली जुमेरात को ठीक 8 बजे एक नई डिवाइन डायरेक्शन के साथ, नए जोश, नए वलवले के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू।